Hello children, today we learned lesson 9 of English, the marks of a tiger. That means tiger के ऊपर जो marks मतलब दाग जो रहते हैं, है ना, जैसे हमारे चेहरे पे कई जल जाता है तो हमारे दाग रह जाते हैं, उसी तरह से टाइगर के बारे में कुछ marks है जो उसके शरीर पर है. तो वो कैसे आए उसके शरीर पर, वो आज हम इस स्टोरी में जानेंगे. ठीक है, तो हम स्टोरी रीड करते हैं. सबसे पहले, A hare is sitting under a tree. A tiger passes by. Hare, इसके पहले भी स्टोरी में आपने टॉर्टाइज और हेयर की स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ पे भी हेयर आया था, राइट? तो जो रैबिट जैसा दिखता है, ये हेयर कहाँ बैठा है? ट्री के नीचे बैठा हुआ है, एक पेड़ के नीचे. वहाँ से एक टाइगर गुजरता है ना? उसके पास से क्या हुआ? टाइगर गुजरा. टाइगर बोला, वॉट आर यू डूइंग? सो हेयर, आई एम कीपिंग गार्ड ओवर माई ग्रैंड फादर्स कॉर्न. टाइगर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तो हेयर बोलता है कि मैं अपने उसके जो ग्रैंड फादर थे, उसके जो दादाजी थे, उनकी गोंग का पहरेदारी कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब उनकी रक्षा कर रहा हूँ. दैट मीन्स गोंग यहाँ पे, गोंग वैसे घंटा होता है ना, लेकिन उसको इसने जो इस टाइप का ये जो छत्ता दिख रहा है, उसे एक गोंग नाम दिया है, क्योंकि वो एक बेल टाइप का दिख रहा है ना. सो बट दिस इज़ नॉट अ बैल. ठीक है, सो टाइगर, वाई, क्यों? हेयर, सो दैट नो वन रन्स ऑफ विथ इट. ताकि, हेयर बोलता है कि मैं इसीलिए इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ ताकि इसमें से कोई भाग ना जाए. ठीक है, टाइगर, वेयर इज द गोंग? टाइगर बोलता है, गोंग कहाँ है? हेयर बोलता है, अब देयर, ही पॉइंट्स अप टू द ट्री. उसने पॉइंट करा कि ट्री के ऊपर, देखो है ना, यहाँ अब देर दिख रहा है ये गोंग. ठीक है, टाइगर बोलता है, इट्स लुक्स नाइस, बहुत अच्छा है. हेयर, वुड यू लाइक टू हियर इट साउंड? क्या तुम इसकी आवाज़ सुनना चाहोगे? टाइगर बोलता है, यस आई वुड, हाँ मैं सुनना चाहूँगा. हेयर, यू कैन स्ट्राइक इट इफ़ यू लाइक. हेयर बोलता है, तुम स्ट्राइक करोगे, जब तुम स्ट्राइक करोगे तो ये साउंड सुनने को मिलेगा. स्ट्राइक मतलब हिलाना. ठीक है, उसको टाइगर बोलता है, मे आई, क्या मैं कर सकता हूँ? थैंक्स. हेयर, बट फर्स्ट लेट मी गो अवे, आई डू नॉट लाइक द लाउड साउंड. हेयर बोलता है, पर पहले मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे इसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, बहुत ज़ोर से आती है. टाइगर बोलता है, ऑल राइट, बाय बाय. हेयर बोलता है, बाय. सो टाइगर, बाय. द हेयर रन्स डाउन द रोड. हेयर कहाँ चला जाता है? रोड पर चला जाता है. अब क्या होता है देखिए. Now the tiger goes near the round object, raises his paw and hits it. Tiger क्या करता है? जो उसके paws रहते हैं, है ना, जो उसके ये पंजे जो रहते हैं जिनको हम बोलते हैं, कहाँ मारता है? ये जो gong रहती है उस पर मारता है. और क्या होता है, जैसे ही वो hit करता है, now we read them. It breaks and out come hundreds of wasps. It was a wasp nest. The wasp settle on the tiger's face and sting him. जैसे ही वो अपना पंजा मारता है, क्या होता है, एकदम से टूट जाता है जो छत्ता रहता है, और वहाँ से बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकल आती है, हंड्रेड ऑफ वास्प, है ना, और वो क्या करती हैं, टाइगर के फेस पर स्टिंग मतलब उसको चुभाना. ठीक है, चुभा देती है, डंक मारती हैं. ठीक है, द स्टिंग्स लीव ब्राउन मार्क्स ऑन द टाइगर्स फेस. दैट्स इज वाई टाइगर्स हैव मेनी ऑन दियर फेस, सॉरी, मार्क्स ऑन दियर फेस इवन टूडे. सो क्या होता है, जब वो स्टिंग जो उसने काटा था, मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके फेस पर ब्राउन मार्क्स आ जाते हैं. देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ये ब्राउन मार्क्स. सो इसी वजह से टाइगर के ऊपर उसके फेसेस पे आज तक वो मार्क्स बने हुए हैं. सो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो टाइगर के फेस पे जो मार्क्स थे वो कहाँ से आए, तो ये जो मधुमक्खियों के छत्ता था उस पे टाइगर ने पंजे से जैसा मारा, और वो पंजे क्या हुआ, उसे लगा था कि वो एक घंटा है, बट होता क्या है, वो घंटा नहीं होता, वो क्या रहता है, वो मधुमक्खी का छत्ता रहता है. और जैसे उस छत्ते पे वो मारता है तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ जाती और उसे मार्क्स बना के चली जाती है. तो आपको ये स्टोरी पसंद आई? ओके.